ये देखिए, जालंधर रेलवे स्टेशन के कुली प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं। सारा कार्य पूरी स्पीड से धड़ाधड़ चल रहा है। प्रधानमंत्री को मन की बात बता रहे हैं अपने कुली भाई। अगर कहीं कोई सुनवाई हो जाए तो सभी भाइयों ने ये लेटर लिखनी है और भेजनी है प्रधानमंत्री को। सभी कुली, ये देखिए श्रवण सिंह जी भी आज स्पेशल अपनी लेटर लिखने के लिए आए हैं। यहाँ पे स्पेशल बुलाया गया, इनको एक महीने का रेस्ट था लेकिन इनको बुलाया। लेटर लिखेंगे ये भी अपनी। ये अजय कुमार जी हैं, ये अपना लेटर लिख चुके हैं। और ये हमारे बाबा गुरबचन सिंह, ये भी लेटर लिख रहे हैं। ये देखिए बाबा गुरबचन सिंह की कितनी उम्र हो गई बाबा जी? 65 साल उम्र हो गई बाबा गुरबचन सिंह की। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे काम करते हुए? 45 साल। 45 साल इनको काम करते हुए हो गए। अच्छा बाबा जी, जब पहले टाइम में कितने कुली थे यहाँ पे? 133 कुली। उनका खर्चा बन जाता था? बहुत पैसा बनता था जी। पहले के काम में और आज के काम में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। पहले काम हर एक मुसाफिर समान चुकाता था। आज जो हमें गवर्नमेंट ने सहूलतें दी हुई हैं रेल को, उनकी वजह से हमारा धंधा वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ। अभी आपके स्टेशन पे कितने कुली हैं? 28 कुलियों की दिहाड़ी बन जाती है? अभी कुछ नहीं बनता, बस वेले रह जाते हैं। वेले रह जाते हैं। इसका क्या मुख्य कारण है कि आदमी वेले रह जाते हैं? इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट ने मुसाफिर को हर एक सहूलत दी हुई, टैची को पहिए लगाए हुए हैं और उसकी वजह से आज कुली भुखमरी के कगार पे पहुंच गया है। क्या आप अपने बच्चे को कुली बनाना चाहते हैं? हाँ, हम कभी भी अपने बच्चे को कुली नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हम ही भूखे मर रहे हैं, बच्चे आगे क्या करेंगे। ठीक, लो जी, ये आपने सुना हमारे स्टेशन के बाबे गुरबचने जी का बयान। और सभी भाई लगे हुए हैं यहाँ पे। सरकार से बाबा आप क्या डिमांड करते हैं? सरकार से आप क्या मांग करते हो बाबा जी? सरकार से हम एक ही, हमारे एक बच्चे को जरूर नौकरी दी जाए। और मोदी जी से आपकी क्या इच्छा है? मोदी जी से यही इच्छा है कि हमारे हर एक कुली को सरकारी नौकरी दी जाए। ठीक, ये थे हमारे बाबा गुरबचन सिंह जी। और आगे आने वाले समय में और स्टेशनों के भी कुछ हम आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे, उसी सिलसिले में हम ज़्यादातर बाहर रहते हैं। धन्यवाद भाइयों।